हाँ फ्रेंड्स, ब्लॉग में आपका दोबारा स्वागत है। आज जो है हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले, आज हम दुबई मॉल जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। उसके बाद उसी में अंडर वाटर एक्वेरियम है। हाँ बेटा एक मिनट, उसी के अंदर अंडर वाटर एक्वेरियम दिखाएंगे आपको, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा है। और उसी के बाद शाम में हम जाएंगे बुर्ज खलीफा 124th फ्लोर ऊपर, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। सब कुछ लार्जेस्ट होने वाला है, और ज़्यादातर आज हम अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। कल दो दिन आपको तो पिछले के दो ब्लॉग्स देखा रहेगा आपने, बहुत ज़्यादा आपने चला फिर है। खैर, तो चलते हैं। हमारे ड्राइवर साहब अभी आ रहे हैं, और अभी आज क्लाइमेट थोड़ा ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है गर्म, पहले से थोड़ा ठीक है। कितना अब पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, बट स्टिल इट्स गुड, लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों, हम दुबई मॉल के अंदर आ चुके हैं, और ये अभी हम लोग फिलहाल के लिए सेंटर में है। यहाँ पर सारे डायरेक्शंस दिया है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या होता है। अभी तो सुनने में आया कि दुबई मॉल में और भी बहुत सारे न्यू पॉइंट्स ओपन कर दिए, जहाँ पर आप जाके अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं अंडर वाटर जू एक्वेरियम, जो भी है, जो बेसिकली हाँ अभी फिलहाल के लिए तो जिन उनकी डेथ हो गई है, यूए की जो प्रेसिडेंट है, उस हिसाब से बोल रहे हैं कि फाउंटेन शो भी नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, इसलिए थोड़ा मॉल भी खाली लग रहा है। ये हमारे बैठ लगे, क्या करें। एनीवेज, और ये एकदम हम सेंटर में खड़े, आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अंडर वाटर जू का सबसे पहले आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अंदर जाने से पहले मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये उन्होंने सिर्फ ऐसे शो के लिए रखा है, ताकि लोग देखें, एक्साइटेड हो, और वहाँ से फिर जाकर आपको टिकट लेना है। और अंदर जू है पूरा पूरा, और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाद में हमने ऑनलाइन टिकट निकाल लिया था, तो हो सकता है हमें लाइन लगाना ना पड़े, बट स्टिल बड़ी बड़ी शार्क्स है, और क्या कुछ नहीं है यहाँ पर, जिसकी कोई हद नहीं। और इतना बड़ा ये यहाँ से इतना बड़ा लग रहा है, तो सोचो अंदर कितनी सारी चीज़ें होगी। लेट्स गो। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं दोस्तों। थैंकफुली हमें लंबी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट निकाला था, और लंबी जो लाइन लगी है वो यहाँ से काउंटर से टिकट की लगी है। और अब हम इस बैरिकेड के अंदर आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए जो हमारे से बाहर खड़े रहकर देख रहे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब अंदर जाते हैं, और अब मैं इसको नज़दीक से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ये देखो, मेरे एकदम पास आ चुका है। वैसे अंडर वाटर जू तो और भी नज़दीक रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखो वहाँ, इसको देखो, बहुत बड़ा माल है यार ये। तो हमें ये फॉलो करना है, जो बेसिकली हमें अंडर वाटर जू में लेके जाएगी। ये अंडर वाटर एक्वेरियम का, यहाँ पर हमें इसे फिश दिखाए, अंदर से टनल में जाके आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। अब ये जो एस्केलेटर है, इसके ऊपर से हमें अंडर वाटर जू देखने को मिलेगा। जितने भी अंडर वाटर जो फिश होती है, जो भी अलग तरीके के मैमल्स होते हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो हम वही फॉलो करते जा रहे हैं। फिर से लफड़ा हो गया भाई, उन्होंने अंडर वाटर जू में भी बोला कैमरा यूज़ नहीं करने का, और वो कालू भार है, बहुत आर्ग्यू कर रहा था मेरे से कि सर एक्सक्यूज मी सर, ये वो बोल रहा है। फिर मैं गुस्सा हो गया उसके ऊपर, जबकि मुझे नहीं होना चाहिए था, बट क्या करें, दिमाग गर्म हो गया अपना। एनीवेज, कैमरा तो रख दिए, अब आपको मोबाइल से शूट करेंगे। ये अंडर वाटर जू में हम एंटर कर चुके हैं, ये देखो, और जो भी होगा आफरीन आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बताएगी कि यहाँ पर क्या क्या है। बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है, इतने सारे, मतलब हज़ारों के हिसाब से, जो उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर रखा है। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो यहाँ पर इन लोगों ने छोटा सा रेन फॉरेस्ट बनाया है, पैरट्स भी है। आइजा, my emotions, I can't seem to control them. My emotions,
सो रहे हैं भाई साहब। ये वाइट टॉर्टोइज़ ये मैं भी पहली बार देख रही हूँ और ये पूरे टैंक के अंदर एक ही है और इसने अपना मुंह छुपा रखा है। इसके अंदर कुछ यूनिक यूनिक फिश है, बहुत यूनिक यूनिक और ये कितना अच्छा लगता है नजर से। ताकि वो बड़ी बड़ी दिखे, वो मतलब छोटी होंगी शायद साइज में। ये जाइंट ऑक्टोपस है और ये अंदर बैठे हैं। भाई साहब बाहर आ जाओ ना। ये हेलो मना कर रहे, वो नहीं आएंगे, आराम कर रहे हैं। चलो अंकल कभी कुछ और देख लेते हैं। डोरी अलग है, नींबू अलग है, लोग को अलग अलग टैंक में डाल दिए। हमें नींबू भी मिल गई, डोरी भी मिल गई। एक क्रोकोडाइल देख रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ा है। ये क्यों आ गई बीच में? मैं क्रोकोडाइल दिखा रही हूँ। उन्होंने हमें पेंगुइन दिखाने के अलग से, तो अंदर पेंगुइन अगर आपको देखना है ना तो ऐसा नहीं है, अंडर वाटर और जू के बाद भी 21 दिरहम लिया है। अभी एक दिरहम 21 कितना हुआ, 2200 पता नहीं है, मैं कंफ्यूज कंफ्यूज हूँ, आपको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अभी मैं पेंगुइन देखने के लिए जा रहा हूँ। सॉरी आयजा ने धमाल कर दी, सबको टच कर रही है। हाँ सबको टच कर रही है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं लगा है। हमें सिर्फ 10 मिनट मिले हैं मैंग्रोव्स देखने के लिए। फिश की लाइफ साइकिल दिखाई है इन लोगों ने, एग से लेके धीरे 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 कैसे वो पूरी एडल्ट बनती है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि वो सिर्फ एग्स ही हैं और यहाँ ये जेलीफिश पूरी बन चुकी है। ये ऊपर ज़ेब्रा शार्क है, ये उसकी लाइफ साइकिल लोगों ने यहाँ दिखाई है। तो अभी पेंगुइन के बाद ना अभी हमें वो पानी के अंदर नीचे लेके जा रही है, हो सकता है शार्क्स वगैरह जो जाती है ना उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन बोट में रहेंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, मैं 3 साल पहले आया था तो ऐसा किया था, तो आप ही एक बार दिखा दो। अब हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा मेरे को क्या होता है, 22 मिलियन कितना पानी नीचे नीचे चला गया। कमल अब बेटा बोल, ऑलराइट तुम आज मैं फिश फूड इधर थ्रो।
अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी अंडर वाटर तो नहीं, मतलब बोट टूर कर रहे हैं। अलग से हमने उसकी टिकट ले लिया है, उसने मुझसे 90 लिया, 30 तीनों का, बच्चे का भी ले। बोट टूर के लिए एंट्रेंस पूरा बाहर आके हम लोग को फिर से अंदर जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग कहाँ से निकले हैं? अभी हम लोग एक छोटा सा सबमरीन टूर था, स्पेशली बच्चों के लिए अच्छा था। वो स्क्रीन थी, मतलब ऐसी फील आ रहा था कि हम लोग पानी के अंदर चले गए, और थोड़ा सा शेकी था वो बोट में, थोड़ा सा ग्लास बोट है, बॉटम होता है वो पूरा ग्लास रहेगा, तो आप नीचे देख सकते हैं सारी शार्क वगैरह सब हम एक्सपीरियंस कर सकते। अच्छा, उन लोगों ने छोटी सी क्लिप दिखाई थी, तो इन लोग को इन्हें लगा कि हाँ, मुझे लगा कि खाली इतना ही है, 30 मिनट लगेगा उसका हम लोग। लेकिन अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं। वैसे आप लोगों को एक चीज बतानी थी, हम अंडर वाटर, क्या बोलते हैं उसको, बोट अंडर वाटर नहीं, अबव द वाटर, लेकिन ग्लास बॉटम है। ये देखो, और ये पूरा टूर होगा इधर से, यहाँ से चलेगी हमारी बोट, हम उल्टा बैठ गए वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो आपने देखा क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस था, नीचे पूरा ग्लास और पूरा अंडर जो एक्वेरियम बाहर से देख रहे थे, अब हमने आपको ऊपर से टूर दिया, और हम यहाँ पर खड़े लिटरली जो एक्सपीरियंस है वो क्या अलग है। अभी यहाँ से निकलते हैं, बहुत छोटा टूर था। उसके अंडे एग है उसमें। हाँ यार, मटकी के अंदर एग होते हैं। दोस्तों, मेरे लाइफ में मुझे जो अब क्रोकोडाइल नीचे से नहीं दिख रहा था, अब इधर से दिख रहा, मजा आएगा बिल्कुल। पैसा वसूल, बहुत बड़ा, ये वीडियो में बहुत छोटा लग रहा है, ये बहुत क्रोकोडाइल की स्कल। यह है अमेरिकन एलिगेटर। यह है नाइट क्रिएचर का एरिया, और यहाँ क्योंकि ये नाइट क्रिएचर है इसलिए बहुत अंधेरा है, पता नहीं मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी या नहीं। ये बैग से, और ये रेड दिख रहा है, वैसे ब्लैक होता है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने बैग यार, सच में। हेल्थ एंड सेफ्टी टेंशन। वाह, हटो, देखो ऐसा कितने बड़े पैर होते हैं, देखो ये, देखो ये बोल रहे हो, चलते कैसे, ये तो देखो कितना क्यूट है। Thank you.
तो हम लोग घूम घूम कर थक गए और अभी 2 बज रहे हैं ना शायद, और मैं वॉशरूम गई थी मैं वहाँ खो गई थी बहुत दूर है वॉशरूम, मैंने उनको बोला था कि वहीं देख लो, नहीं तो इसलिए मैं खो गई थी। फिर मैंने जैसे तैसे रास्ता ढूंढा और मैं आ गई तो हमारा पेट भर चुका है और अब हम जा रहे हैं, अरे हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा। वैसे हम लोगों ने मॉल में बिल्कुल भी घूमा नहीं है, अरे मतलब बहुत बड़ा है ये तो, घूमकर और क्या, क्योंकि घूमेंगे तो फिर दिल करेगा कुछ लेने का, तो यहाँ लेने लायक कुछ नहीं, बहुत महंगा होता है भाई। लेने लायक सब कुछ है लेकिन हम लेने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत बहुत महंगा है, वही बात होगी। अब हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा, आप तो बोल रहे थे किड जोन है, और अभी बुर्ज खलीफा अभी किड जोन है तो सो ही पड़ी है, क्या करेंगे, हमारे पास जो बच्चा है वो सो रहा है, लेकिन ढूंढ तो लो है किधर, पहले देखते चलो। और ये मॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ तो बताओ, क्यों नहीं गए आप? कुछ नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में बच्चों के लिए बहुत अच्छा था किड जानिया, बट बहुत वक्त लग जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं, हम लोग के पास 3:30 में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराते हैं, 3:30 बज रहे हैं और 4 बजे के बाद तो हमें बुर्ज खलीफा जाना, फिर यहाँ पर बहुत लेट हो जाएगा तो मेरा बुर्ज खलीफा छूट जाएगा, मे बी आज शायद मैं बुर्ज खलीफा ख़त्म करके जाऊँ या फिर शायद से देख लेंगे नेक्स्ट डे अगर कुछ टाइम मिला तो करते हैं। तो हम लोग इस वक्त बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हैं, दिख रहा है नहीं दिखेगा, दिख रहा है, और इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है आँखें भी नहीं खुल रही हैं। कैसे किया था आपने अभी? अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि अंदर कैसा लगता है। 124th फ्लोर अंदर जाके क्या, अच्छा हमारा 124th फ्लोर है, 124th फ्लोर के ऊपर अगर जाएंगे तो अलग से पैसे देते हैं ना उसके लिए, टिकट अलग से देना पड़ता है। हमने अलग से कर दिया है, नहीं 124 के ऊपर जाना होता है, ऊपर जाओ तो 148 है और एक 154 समथिंग ऐसा कुछ है, उसके लिए अलग से पैसे देना। हाँ तो हम लोग सिर्फ 124 तक जाएंगे। हमने 2 टिकट्स यहाँ पर ले लिया है, ये है एट द टॉप बुर्ज खलीफा, हमारा 5 बजे का समय है लेकिन आधा घंटे पहले जाना पड़ता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है, प्रोसीजर होता है इनका, बहुत सारी चेकिंग हुई, ये बैग हमने लिया उसमें, ऐसा आ जाओ बेटा, और अभी सामने है लिफ्ट, आई थिंक लिफ्ट से अभी हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, आपको बताते हैं क्या होता है। इस तरीके से बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ था, आप देख सकते हो आयजा के साथ साथ यहाँ से 2004 जनवरी में यहाँ पर जो मेंशन है शुरू किए थे उन्होंने, और ये ऊपर देखो ये कितने साल बाद, लगभग मुझे लगता है जनवरी होगा 2010 में, 2009 कंप्लीट हुआ था, 2010 में अप्रैल 2008 और फाइनली ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट जो था वो जनवरी 2009, ये देखो अभी देखो दोबारा है, हाँ तो 2009 में ये कंप्लीट हो गया, 10 में हुआ था, 10 में यस, अच्छा और ऊपर जाएगा, ओहो अच्छा 2010 में, 2004 से शुरू हुआ 2010 में खत्म हुआ, ऐसा बाय बाय। मेरे ख्याल से डायरेक्ट 124 पे नहीं जाएगी, बीच में से होते हुए चेंज करना पड़ेगा, मैं गया था एक बार मुझे पता है, अभी स्पीड देखो खाली इसकी। टॉप पर आ चुके हैं 124 फ्लोर पर, अब देखते हैं यहाँ से व्यू कैसे, अगर ज़्यादा क्लाउडी ना हो तो अच्छा है। सारी लैंग्वेज में लोगों ने
गुड बाय कर दिया। अरे 250 दिरहम्स का, 250 दिरहम का फोटो। गिफ्ट शॉप पे मिले, गिफ्ट लेना चाहेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे लिए जरूरत नहीं, बहुत महंगा होता है। अब हम लोग जा रहे हैं किड्जानिया। हाँ अभी अभी दरअसल हम लोग को लगा था कि हम ऊपर 7 बजे तो घूमेंगे, बट ठीक था, बस खाली ऊपर व्यू था ना इसलिए कितना बस देखते। बस व्यू था और कब तक बैठे रहते, तो बात भी लॉजिक है। तो ये किड्जानिया नाम था ना यहाँ का, किड्जानिया और ये छोटी सी सिटी है और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट। ये बच्चों की सिटी है मतलब, और बच्चों का हॉस्पिटल है, रोड है, छोटी सी डिपार्टमेंट है, बच्चों का डेंटिस्ट है और गवर्नमेंट ऑफिस है, विंडो वॉशिंग, ये सब बच्चों लोग के लिए दिया गया। पूरा बनाया पूरा ऐसा है कि भाई बच्चे खाली इंजॉय करें, अलग अलग एक्टिविटीज़ करें, थोड़ा बच्चे एक्टिव रहे बस, और कुछ नहीं। यहाँ से एक चीज़ इधर भी देखो, वो दांत का साफ कर रहा है, यहाँ से आप देखो। ये जो स्काई है ना, ये भी आर्टिफिशियल है, लोगों ने बच्चों की छोटी सी सिटी बनाई है, उसके साथ स्काई भी बनाए, थोड़े थोड़े क्लाउड आ रहे हैं। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर, लाइन लगा के देख सकते हो कैमरे में, देखो बच्चों अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट है, छोटे छोटे बेबी से सब दिखा रहे हैं, यहाँ से वो लोग एंटर करेंगे। लेकिन अंदर आए तो अकेले जाएगा, बच्चे अकेले जा रहे हैं। हाँ तो जाने दो ना, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अच्छे टॉयज खेल रहे, मैं भी आ रहा हूँ। हम लोगों ने आयजा को अंदर भेजा था, और आयजा होते हुए वापस आई क्योंकि वहाँ से बच्चे अंदर जा सकते हैं, और ये अकेले जाने में डर रही थी, तो यही एक बच्ची थी जो होते हुए वापस आई है। चलो कलर करेंगे, यहाँ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। अभी अगर ये लोग अपने को देखा ना तो बोला हमने नहीं बोला, इधर उधर देखो, इधर उधर देखो, इधर उधर पूछ पा दो। आयजा की पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, आयजा आओ। आयजा क्या किया बेटा, हैंड वॉश कर दी उसका, वो वाइप से ना गीला वाइप से साफ कर लो, नहीं अंदर है ना, ये सूखने के लिए रखने बोले लोग ने, बोला बाद में अकेले के जाना, ऐसा ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। चलो ये आ गया पेंटर साहब। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुबई मॉल में किड्जानिया में बच्चों के लिए हर एक चीज़ है, रोड सेफ्टी है, ड्राइविंग करने के लिए है, और फायर के लिए है, सफाई करने के लिए है, कुकिंग है, डेंटल है, हॉस्पिटल है, आई मीन आप थक जाओगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, ये छोटी है 3 साल की है, रेकमेंड करता हूँ अगर 4 साल 5 साल का हो तो और अच्छा हो, तो वो प्रॉपर सारी एक्टिविटीज़ कर सके। चॉकलेट कैसे बनता है वो दिखाएगा बच्चों को, सारे डॉक्टर्स, सारे फायर ब्रिगेड ऑफिशियल्स, बैंक वाले, पुलिस स्टेशन, सब में बच्चे ही साला ऐसे ही रहना चाहिए जिंदगी। फायर ब्रिगेड तो भर भर के जा रहे हैं। नो वॉर ओनली पीस। मेरे पैसे बर्बाद हो गए हर जगह पर, इसकी हाइट छोटी पड़ जाती है तो एज कम हो जाती है। अब ये 4 साल बोल रहा है, ये 3 साल की है, हम फंस गए बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे का खूब सारा नुकसान हो चुका है यहाँ पर। एक जगह गई थी डेंटल में तो रोना धोना करके अंकल को लेके करके आ गए, उन्होंने बेचारे अंदर ले लिया था। अब यहाँ पर कैट्स और डॉग को देखे, उसको एक्साइटमेंट आ गया, बट अब वो बोल रही है कि 4 साल चाहिए।
आफरीन गई है आयजा के साथ एक बहुत ही स्पेशल आर्ट बनाने के लिए। यहाँ पर काम चालू है। हाँ, इनको पता नहीं मैं इनका वीडियो ले रहा हूँ। आयजा बहुत छोटी इन चीज़ों के लिए, बट फिर भी वो ट्राई कर रही है, कुछ ना कुछ बना रही है। और ये जो मैडम बना रही है, ये देखो, वही सेम चीज़ आयजा को भी बनाना है। तो फाइनली आयजा ने ये क्या है आपने, मैजिकल फ्लावर है, मैजिकल फ्लावर बनाया। और ये इसने कलाबाजी आयजा ने करी अंदर, और ये ऐसा हार्ट बन जाता है। कैसे होता है ये बताओ? ऐसा हार्ट होता है, इसको ऐसे ओपन करो ना तो ये फ्लावर बनता है। ओ वाह, आयजा दिखाओ अपना मुंह, क्या बात है। इसके अंदर ही आयजा ने कलर फिल किया है थोड़ा, मैंने वेरी नाइस। तो आप लोग जो देख रहे थे वो ये कांड हुआ है। तो हम लोग आउटरो देना भूल गए थे और हम लोग रूम में आ चुके हैं। और रात होते होते आवाज बढ़ जाती, जोश बढ़ जाता, बाहर तुम डर जाती। रात होते होते ना क्या होता है, वहां भी बच्चे एकदम पगला गए थे। मैंने तो थोड़े से वीडियोस बनाए, ये भाग उधर से भाग उधर से भाग, क्या क्या कर रहे थे बच्चे। और आयजा लास्ट में सो गई थी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आज का दिन यही खत्म होता है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 9 बज गए आज हम लोग को। तो कल क्या है हम लोग का? कल हमारा स्नो पार्क है और वो है डाउ क्रूज। तो अगले पार्ट में आपसे हम मिलते हैं बाय बाय कल। बाय।